यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है। देखिए कैसे सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तकरीबन 60 70 80 की स्पीड में यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और इसी बीच में ये लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि मतलब उनकी कार शैली से हमें तो अच्छा लगता है, जो भी है जैसी भी उनकी कमा खा रहे नोएडा में। ये देन तो संजय गांधी की है, मोदी की सरकार में जूता बजा है इनकी भैया की। वही है ना, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि मोदी जी दोबारा बैठ जाएंगे और तो पता चले कि संविधान ही खत्म कर देंगे। देखो महंगाई नहीं बढ़ी, एक बात सच है, पर बेरोजगारी अभी खत्म नहीं। परिवर्तन ही सफलता कुंजी है, लगातार किसी को प्रधानमंत्री बनना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम, राहुल गांधी सफल कर रहा। अगर पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो संविधान ऑटोमेटिक खत्म पड़ेगा, मेरा मानना है। मैं भी समाजवादी से हूँ, उसे बात करने की तमीज नहीं है तो वो किसे बात करने की तमीज नहीं कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, उससे भी एक और अच्छा होना चाहिए। वो उथल पुथल संविधान भी खतरे में जाने वाला है। मोदी जैसा पहले आ जाता तो ये नौबत नहीं आती। किसान होते हैं वहाँ पर, है कोई किसान? पहली चीज तो आप गाली मत दीजिए, आप गाली मत दीजिए। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, उसकी बुराई नहीं कर सकते। नहीं बुरा, देखो मैं तो हर साल मैं सोचता हूँ नया होना चाहिए। जिसके नसीब साथ देता है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाता है, हम ही जानते हैं। नसीब उसके अभी साथ दे रहा है, वही होगा और कोई नहीं होगा, लिख लीजिए। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ वन मिनट में। 2024 का सियासी बिगुल बज चुका है, एक बार फिर से सभी राजनीतिक पार्टियां काफी ज्यादा जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हैं। आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में आखिर क्या होने वाला है, क्या एक बार फिर से देश का जो मिजाज है यानी देश में जो मोदी की लहर है, क्या एक बार फिर से देश में मोदी की लहर होगी या अगला प्रधानमंत्री कोई और होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और एक मिनट के खास कार्यक्रम क्या हाल है जनता में आपका स्वागत है। आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जहाँ पर समय तमाम ऐसे जो लोग हैं जो छुट्टी के समय मतलब अपने काम की छुट्टी के बाद यहाँ पर से गुजरते हैं, तो इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि 2024 में आखिर क्या माहौल होने वाला है, क्या वो चाहते हैं कि एक बार फिर से देश का जो राजनीतिक सरगर्मी है वो चेंज हो या कुछ अलग वो देखना चाहते हैं। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं, देखिए कितने सारे हुजूम के लोग हैं, कैमरा देखो, कितने सारे ऐसे हुजूम के लोग हैं जो सड़क क्रॉस करके आ रहे हैं और देख रहे हैं। भैया से बातचीत करना चाहेंगे, एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? सेक्टर में जॉब करता हूँ। कहाँ पे? सेक्टर 67। सेक्टर 67 में किस चीज़ की जॉब करते हैं? एक्सपोर्ट में करता हूँ, प्रेसिंग। अच्छा, प्रेसिंग में। अच्छा ये बताइए कि आप हर दिन ऐसे ही सड़क क्रॉस करते हैं? जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है निकलने में, गाड़ी भी टकरा, डर भी लगता है, मगर निकलना तो रोज ही है। हादसे नहीं होते हैं? हादसे होते, मेरे सामने हुआ तो नहीं है, मगर हादसे के हमेशा चांस रहते हैं यहाँ पे तो। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि देश की राजनीति बदल रही है, जैसे अभी 14 के बाद से देखा गया कि मोदी लहर आ रही है, मोदी लहर में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अभी 2024 में आप क्या देखते हैं, किसको मतलब देश में एक बार फिर से राजनीतिक कमान देना चाहते हैं? राजनीति की कमान किसे देना चाहते हैं? यहाँ की राजनीति, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश से हूँ, ये भी उत्तरी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन देश की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाहे आप उत्तर से हों, चाहे मध्य से हों, चाहे कहीं से हो, लेकिन देश तो एक ही है ना, तो देश में आप किसको प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी हों। क्यों? मतलब उनकी कार्यशैली से हमें तो अच्छा लगता है, जो भी है जैसी भी उनकी। अच्छा, उनकी कार्यशैली आपको अच्छी लगती है। क्या नाम है भैया आपका? शशि कुमार दीक्षित। कहाँ से हैं? हरदोई जी, यूपी हरदोई से। हरदोई से हैं जी। यहाँ पे क्या करते हैं आप? जॉब कर रहे हैं। किस चीज़ की? क्या यहाँ कर रहे हैं, मतलब कॉपी किताब। अच्छा, मतलब प्रिंटिंग प्रेस में है, ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक है, मतलब आप ये बताइए कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अभी देश की राजनीति में देखा जाए बहुत उथल पुथल, संविधान भी खतरे में जाने वाला है, मेरा मानना है। कैसे? परिवर्तन ही सफलता कुंजी है, लगातार किसी को प्रधानमंत्री बनना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल नियम गुरु जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा बात है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उस कुर्सी पे किसी परिवर्तन होना चाहिए। तो अगला आप परिवर्तन देखकर किसे देखना चाहते हैं, मतलब परिवर्तन में आप किसे देखना चाहते हैं? मैं तो युवा नेता देखना चाह रहा हूँ, युवा को भी चांस मिलना चाहिए। वो युवा कौन होगा? राहुल गांधी सपोर्ट कर रहा हूँ।
राहुल गांधी होंगे। देखिए भाई साहब इधर आइए। जैसे आप चाट का चटकारा लगा रहे हैं देश की राजनीति में, आप क्या चाहते हैं? कहते इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी होना चाहिए, उसे बात करने की तमीज नहीं है। तो वो किसे बात करने की तमीज नहीं है भाई? मोदी, ये सब लोग बोलते हैं ना, मोदी बात सुनो, मोदी दिल से देखा जाए, एक हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना कभी किसी को वोट दिया, तब भी मोदी जैसा पहले आ जाता तो ये नौबत नहीं आती। मोदी बुराई नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, पर मेरा मानना है कि राजनीति में अगर मेरी जो मेरा मेरे संविधान गुरु जी मेरे संविधान के सब देश झुकता है, पर मेरे संविधान में ये भी लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा कर दिया, जब चलो 14 साल से मोदी सरकार हो गई, उस समय जब हमारी जितनी एज है 8.5 रुपए लीटर बिक रहा था, तब कांग्रेस थी तो 70 रुपए क्यों पहुंच गया था? तो कांग्रेस की थी सरकार नहीं भाई, अब जो मान लो 100 रुपए में पहुंच गया तो गलत बात नहीं है। तो इससे मतलब कहीं ना कहीं महंगाई बहुत बढ़ी है, आपका कहना कुछ नहीं बढ़ा तो परिवर्तन में आप किसे देखते हैं फिर? तो भाई देखो महंगाई नहीं बढ़ी, ये बात सच है, पर बेरोजगारी अभी खत्म नहीं हुई, ये भी सच बात है, इसको मानना नकारना का नाम की बात ऐसी है, जो पहले थे वही आज है। अब रास्ता चलते हुए तुम पर जूता पड़ जाए वो बढ़िया है, तुम्हें 1000 रुपए दे दे वो बढ़िया है, बताओ पहले मुझे। देखो जाहिर सी बात है कि अगर हम मैं भावना दे जाऊं तो ये तो प्रथम सबसे बड़ा है, आप रास्ता चलते हुए आप पर कोई जूता बजाने लगे वो बढ़िया है कि 1000 रुपए कोई दे दे वो बढ़िया है? भाई पैसा तो सब किसको बुरा लगता है ना, तो पैसा बढ़िया है और जूता यानी खाना बढ़िया है। किसने कहा जूता खाना बढ़िया? हम कह रहे हैं मोदी की सरकार में जूता बढ़िया। भैया की कहना आपकी मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई, भैया का कहना कुल मिला के ये ऐसे कह रहे हैं जैसे मतलब शासन जो हमारे यूपी में चल रहा है वो योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, उससे भी एक और अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब लगातार अगर वही है ना, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि मोदी जी दोबारा बैठ जाएंगे और तो पता चले कि संविधान ही खत्म कर देंगे, तो ये डर है ना पैदा कहीं किसी लोगों को, तो ये डर पैदा नहीं होना चाहिए, संविधान हमारा जो संविधान हमारा लिखा है वो परिवर्तन होना जरूरी है, मोदी जी अच्छा संविधान परिवर्तन होना जरूरी है, नहीं संविधान नहीं मतलब प्रधानमंत्री परिवर्तन होना जरूरी है, मतलब देश की राजनीति में कहीं ना कहीं विपक्ष और जनता, मतलब अगर विपक्ष मजबूत होगा तो देश में लोकतांत्रिक माहौल बना रहेगा, क्योंकि अगर पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो संविधान ऑटोमेटिक खत्म पड़ेगा, मेरा मानना है, मैं भी समाजवादी हूँ, पक्ष विपक्ष होना जरूरी है तभी हमारा संविधान खत्म कभी नहीं पड़ेगा, पक्ष और विपक्ष होना। अच्छा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी जोड़ते हैं, युवा नेता है, गद्दारी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा राहुल गांधी और राजीव गांधी को देखा जाए, मतलब जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, क्या उनमें उनकी कुछ छवि थी? यहाँ खा कमा खा रहे नोएडा में, ये देन तो संजय गांधी की ही है, पर इस बीच में लोग बोलते नहीं मायावती जी कर दी, वो कोई इस देश में इतनी गरीबी थी जब संजय गांधी यहाँ दौड़ा किए थे तो सेक्टर 100 की बात है, वहाँ पर कुछ नहीं था, हजारों लोग रोड पर सोते थे, किसी का कोई सबको देखा कि हमारे यहाँ कारपेंटर लोग की जरूरत है, तो ये सब लाने की आज जो देन है, पुराने पुराने ड्रम पुराने पुल लोहे के पुराने इतिहास जो कमाई के जरिए वो कांग्रेस की देन है, अभी तो कुछ नहीं है, क्या देगा, मेरी सफेदी आ गई, 45 साल उम्र है, कांग्रेसी हूँ समाजवादी का हूँ, ये तो शुरुआत है। आप कांग्रेसी हैं लेकिन मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री देश का राजा होता है उसकी बुराई नहीं कर सकते? नहीं बुरा, देखो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जनता का अधिकार है, इधर आइए भैया क्या नाम है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जनता का अधिकार है, उतनी बात का। क्या नाम है? ये नहीं कहा है, नाम रुद्र कुमार, कहाँ से हैं? हम बिहार से, बिहार से हैं, इधर आइए, बिहार से हैं, यहाँ क्या करते हैं? कंपनियों में काम करते हैं। अच्छा कंपनी में काम करते हैं, किस चीज का काम करते हैं? जो कंपनी है, इधर आइए ना, कैमरे पे ही बातचीत करते हैं, ठीक बनता है, ठीक है लोहा वाला में। अच्छा ये बताइए कि 2024 में एक बार देश की राजनीति में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो आप किसको देखना चाहते हैं? अरे जो विकास करेंगे उन्हीं को देखना चाहे। कौन विकास कर रहा है? विकास तो मोदी कर ही रहा है। मोदी विकास कर रहा है आपकी नज़र से? मोदी अंकल इधर आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रेम। प्रेम जी क्या करते हैं आप, कहाँ से हैं? नोएडा में काम करता हूँ। किस चीज़ का? लेड मशीन का। लेड मशीन का,
देश में एक बार फिर से राजनीति गरमाई है और 24 का चुनाव होने वाला है। पिछले दो दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी की सरकार बनेगी और किसकी बनेगी? सारे काम सही सलामत कर रहा है और क्या चाहिए। कोई एक दो काम बता दीजिए। कौन सा काम खराब कर रहा है? कोई से रोड पे देख लो, पहले 8-8 घंटे 10-10 घंटे साले रोड पे जाम लगा रहता था, आज की पीरियड में क्यों नहीं लग रहा? कौन सा काम खराब कर रहा है? सबको दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई देश में चरम पर आ गई है। महंगाई, अब परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग तो कहेंगे यार, जब महंगा सामान बेचोगे तो महंगा खरीदोगे नहीं? देखो अभी जो किसान एमएसपी को लेकर तमाम बॉर्डरों पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एमएसपी को लागू करना चाहिए? वहाँ तो कोई किसान है, सारे गुंडे मवाली है। मेरे वहाँ 500 एकड़ वाले जमीन वाले हैं, 1000। क्यों 500 एकड़ वाले किसान नहीं होते हैं? किसान है उसमें 500 एकड़ वाला कोई है वहाँ पर? नहीं, आपने कहा कि 500 एकड़ वाले हैं तो 500 एकड़ वाले किसान नहीं होते? किसान होते हैं वहाँ पर, है कोई किसान? पहली चीज तो आप गाली मत दीजिए, आप लाइव हैं, आप गाली मत दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? लाल कुमार। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं आप? तो बिहार से हैं, यहाँ क्या लगता है कि इस बार देश की राजनीति में क्या होगा? और बिहार में तो जो नीतीश कुमार थे फिर से इधर आ गए हैं। सही किया वो, गलत का किया। क्यों? आरजेडी में, आरजेडी के साथ जब गठबंधन में थे तब गलत था? गलत है ही था, जंगल राज था सारा। अच्छा, तो कैसे भटक गए थे नीतीश कुमार जंगल राज में? जंगल राज में भटकना, देखो अगर आप ही को लोभ मिल जाएगा तो आप भी भटक सकते हो, वो भी वैसे ही भटक। संगत का असर था? संगत का असर था, संगत का असर था। मेन चीज तो संगत का असर होता है, जिसका संगत में था वैसा उसका। नहीं तो उससे पहले तो अच्छी संगत में थे ना, 20 में अच्छी संगत में था, अच्छी काम भी कर रहा था, अच्छी नाम भी हो रहा था। अच्छा, बिहार की राजनीति से हम बाहर आते हैं और ये समझना चाहते हैं कि 2024 में एक बार फिर से देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पिछले दो दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में प्रधानमंत्री हैं। अब आपको क्या लगता है कि 2024 में एक बार फिर से किसकी सरकार बनने वाली है? आएगा मोदी, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, मोदी ही आएगा? मोदी है, मतलब आपको क्यों लगता है कि मोदी ही आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी तो एक बार फिर जो है उनका रहन सहन जो है उसका जो परवरिश हो रहा है अच्छे लोगों में हो रहा है, इसलिए अच्छे लोग चाह रहे हैं उसे। जो गंदे लोग के साथ रहेगा तो गंदे सोच रहा था उसको, इसलिए वो आएंगे। जो और जो किसान ये एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका उसमें देखो, उसमें गलती उसका मोदी जी को नहीं है, एक किसान को है। किसान अगर अपना अनाज दोगे तभी तो सरकार देगा, वो कहाँ देगा, घर से देगा बताओ? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी एमएसपी, उसको निर्धारण किया जाए ताकि हम किसी भी जो फसल है उसका हम उससे कम रेट पर ना बेच सकें। तो ये मांगे मतलब जायज़ है? बिल्कुल जायज है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एमएसपी का निर्धारण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं देश में एक बार फिर से राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं और चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। अब बहुत चंद समय हैं जब देश की राजनीति में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होंगे और सभी लोकतांत्रिक तरीके से इस पर मत करेंगे और देखना ये होगा कि इस बार 2024 में किसकी सरकार बनती है। इस समय हम मौजूद थे नोएडा सेक्टर 63A में, यहाँ पर लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है और अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे भी हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स रहा। कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में जो भी उनके विचार थे, अभी हम कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या नाम है भैया? इधर आइए। क्या नाम है? नागेश। क्या करते हैं यहाँ पर? जी सर, ऐसे ही छोटी मोटी जॉब करते हैं। किस चीज़ की? सिलाई सेंटर। सिलाई सेंटर में। वैसे सैलरी कितनी होगी, मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि लोगों से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैंने डायरेक्टली आपसे पूछ ली है कितनी है सैलरी। 8 घंटे की 12,000। 8 घंटे की 12,000 रुपये गुजारा हो जाता है? अब गुजारा क्या है, जो भी है करना तो पड़ेगा। क्यों? फिलहाल अपनी छोटी मोटी चल रही है। कहाँ से हैं? जी हमें मैनपुरी से। मैनपुरी से हैं, तो मतलब यहाँ पे 8-12 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा हो जा रहा है? नोएडा जैसे इतने मतलब हाई टेक शहर में कैसे गुजारा हो जा रहा है? नहीं 12 नहीं, खैर 12 घंटे करते हैं पूरी, तो करीबन 18,000 रुपये आ जाते हैं। अच्छा, 18,000 रुपये आ जाते हैं। ठीक है, ये बताइए कि देश में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, आप युवा हैं, आई थिंक पहली बार आप वोट डाल रहे होंगे कि इससे पहले भी आपने वोट डाला है, तो इस बार क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? क्योंकि आप यूथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथ को भी आह्वान किया है
कि नरेंद्र मोदी की क्या अच्छा काम किया है परमानेंटली। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उधर टिल्ट करके दिखाएं कि तमाम लोग किस तरीके से देखिए ये एक मार्ग है जहां पर लोग यहां पे ओवरब्रिज नहीं है और तमाम लोग यहां पर ऐसे ही चलती गाड़ियों के बीच में सड़क क्रॉस कर रहे हैं। दोनों साइड से प्रॉपर गाड़ियां आ रही हैं और ये यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है। देखिए कैसे सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तकरीबन 60 70 80 की स्पीड में यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और इसी बीच में ये लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियाँ हैं कि ये बीच सड़क में आकर अपना काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे। एक मिनट आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहेंगे, 2 मिनट। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा रुकिए, क्या नाम है आपका? पूजा। हम लोग मीडिया से हैं। ये बताइए कि अभी आप लोग ऐसे सड़क क्रॉस कर रही हैं, आप दादी डर नहीं लगता है सड़क क्रॉस करने में कि एक्सीडेंट हो जाएगा? हाँ डर तो लगता है। तो ये बताइए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे डायरेक्टली सड़क पे ऐसे क्यों क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ से आसपास कोई ओवर ब्रिज नहीं है? हाँ है तो दूर है, अब बताओ इतनी दूर जाए तो कंपनी छूट जाएगी, निकाल देते हैं, घुसने ना देते हैं, अब बताओ लेट हो जाते हैं। कौन निकाल देता है? कंपनी। अच्छा ये बताइए कि देश में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां, आप महिला हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सीधा सीधा कहा है कि देश की महिलाएं जब तक सशक्त होंगी। वैसे अब आप वीडियो क्यों बना रहे हैं ये चीज़ बता दीजिए आप। ये ऑलरेडी हमारा कैमरामैन वीडियो बना रहा है तो आप क्यों बना रहा है? नहीं तो आप क्यों बना रहे हैं ना, ये बताइए ना। आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बंद करिए। आपको बोलना है बोलिए ना, आप वीडियो नहीं बना सकते हैं ना आप। मैं आप पे कॉपीराइट मार दूं तो? मार दो ना, मेरे चैनल पे मार दो, पता होगा तो मारोगे ना? नहीं पता होने की बात नहीं है, आप मेरी बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने आपकी बात को कोई कॉपीराइट करा? मैं ये बताओ, कॉपीराइट करने की बात नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, कॉपी करी ये बताओ मुझे। मैं कॉपी करने की बात नहीं, इधर से आ रहा था। अच्छा क्या नाम है? चलिए ठीक है, क्या नाम है? सिंह है। कहाँ से हैं? मैं से हूँ, नोएडा से। नोएडा से क्या करते हैं? क्या करते हैं? फिलहाल तो खाली घूम रहा हूँ। अरे नहीं जॉब तो करते होंगे ना? फिलहाल तो खाली घूम रहा हूँ अभी। क्यों जॉब नहीं है आपके पास? अरे जॉब हो तो बताओ, कुछ नहीं करता, वीडियो बनाते घूमता रहता हूं, वीडियो से कमा रहा हूं बेटा। अच्छा वीडियो से कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इन्फ्लुएंसर है। ये बताइए कि देश की राजनीति में गए? देखो राजनीति में जाना नहीं चाहता, इंसानियत वाली अगर बात करूँ राजनीति से दूर रहता हूँ। नहीं राजनीति से तो दूर रहते हैं लेकिन देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में आप इस बार किसको देखते हैं, मतलब अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं तो हर साल मैं सोचता हूँ नया होना चाहिए, हर साल हर 5 साल बाद। दादा इधर आइए। हर 5 साल बाद नया होना चाहिए हमारे साथ। क्या नाम है? गणेश। क्या करते हैं आप? हम स्पोर्ट में काम करते हैं। किस चीज में? सिलाई में, मतलब कपड़े सिलते हैं आप मशीन पे। ये बताइए कि देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होने वाला है, पिछले 2 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में काबिज हैं, इस बार क्या लगता है आपको कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा? मोदी ही होगा। क्यों ऐसा? मतलब क्योंकि देखिए सबसे बड़ी है नसीब, जिसके नसीब साथ देता है मिट्टी छूता है तो सोना बन जाता है, हम ही जानते हैं। नसीब उसके अभी साथ दे रहा है वही होगा और कोई नहीं होगा, लिख लीजिए। जनता के वोट मायने नहीं रखते हैं भाई, लिख लेना भाई, चंद्रशेखर भी आने वाला है। अच्छा, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही और आगे हम कहीं अलग आपसे बातचीत करेंगे, जनता की बात को आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि इस बार देश में क्या माहौल है, क्या राजनीति है और 2024 में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।